SCR यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर क्या होता है? I don't know. SCR की खोज किसने की थी? SCR का दूसरा नाम थायरिस्टर ही क्यों है? SCR का कंस्ट्रक्शन वर्किंग कैसा होता है? Oh my God! ऐसे बहुत से मुश्किल सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। मैं आपका गुरु, आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके ही चैनल साई एकेडमी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आपके प्यार से 1 मिलियन व्यू मेरे चैनल पे पूरा होने वाला है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बस आप ऐसे ही प्यार करते रहिए और मैं एक से बढ़ के एक क्वालिटी कंटेंट वाले वीडियो आपको देते जाऊंगा। व्हाट इज सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर मींस SCR क्या है? व्हाई SCR इज कॉल्ड थायरिस्टर एंड SCR को हम थायरिस्टर क्यों कहते हैं? SCR का सिंबल कंस्ट्रक्शन वर्किंग कैसा है? डियर स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सीरीज में कंप्लीट करेंगे। तो आइए अब हम पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आएगा वो है, व्हाट इज सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर मीन्स शॉर्ट फॉर्म में SCR यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर क्या है? तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि गॉर्डन हॉल और फ्रैंक डब्ल्यू बिल गुड्स विलर ने सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यानी SCR की खोज की थी और वो साल था 1957। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को हम शॉर्ट फॉर्म में SCR बोलते हैं, जहाँ पे S स्टैंड्स फॉर सिलिकॉन, C स्टैंड्स फॉर कंट्रोल्ड एंड R स्टैंड्स फॉर रेक्टिफायर। ये तो नाम है, अब सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि ये SCR है क्या? ये सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्यों कहलाता है? यहाँ सिलिकॉन का क्या मीनिंग है, कंट्रोल्ड का क्या मीनिंग है और रेक्टिफायर का क्या मीनिंग है? तो जैसा आप देख पा रहे हैं, SCR यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें सबसे पहला वर्ड सिलिकॉन। सिलिकॉन हमने यहाँ पे ऐड इसीलिए किया क्योंकि हम SCR के कंस्ट्रक्शन में सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करते हैं। सेकेंड वर्ड कंट्रोल्ड हमने इसलिए यहाँ पे इसलिए यूज किया क्योंकि एक स्विचिंग डिवाइस की तरह काम करता है, जो कि सेमी कंट्रोल्ड स्विचिंग डिवाइस है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। सेमी कंट्रोल्ड मीन्स सिर्फ टर्न ऑन हम कर सकते हैं, टर्न ऑफ करना SCR में इजिली पॉसिबल नहीं है। और ये तीसरा लेटर जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर का मीनिंग यहाँ पे है, फॉरवर्ड बायस में SCR का रेसिस्टेंस लो होता है और रिवर्स बायस में SCR का रेसिस्टेंस हाई होता है, और यानी इजीली AC को DC में कन्वर्ट कर सकता है एज अ स्विचिंग डिवाइस, और यह रीजन है कि हमने थर्ड एलिमेंट यानी रेक्टिफायर को यूज किया। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में तीनों में हमने फर्स्ट अल्फाबेट ले लिया और यहीं से एक वर्ड बना SCR। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस डिवाइस को हम SCR क्यों बोलते हैं ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आइए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं कि SCR का क्या कोई दूसरा नाम भी है। तो हाँ, SCR का दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं थायरिस्टर। तो आपने SCR क्यों बोलते हैं ये तो समझ लिया, अब आपके मन में डाउट आएगा कि इसको हम थायरिस्टर क्यों बोलते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि SCR थायरिस्टर क्यों कहलाता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होती रहे। तो थायरिस्टर जो वर्ड है वो कॉम्बिनेशन है 2 डिवाइसेस के प्रॉपर्टीज का। पहला डिवाइस जिसको बोलते हैं थायरिट्रॉन ट्यूब और दूसरा डिवाइस जिसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर। अगर मैं अल्फाबेटिकली अरेंज करके देखूं तो मैं बोल सकता हूं थायरिट्रॉन ट्यूब में से थायर और ट्रांजिस्टर में से इस्टर को मिलाने से एक डिवाइस बना, दैट इज कॉल्ड थायरिस्टर, जिसको हम SCR भी बोलते हैं। जो थायरिस्टर है उसमें थायरिट्रॉन ट्यूब की प्रॉपर्टीज होती है, जो थायरिस्टर का जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जस्ट लाइक पहले जो थायरिट्रॉन ट्यूब था उसके जैसी है, और इसीलिए यहाँ हमने थायरिस्टर में थायर ले लिया थायरिट्रॉन ट्यूब से। सिमिलरली ट्रांजिस्टर एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो स्विचिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म करता है, और यह रीजन है हमने थायरिस्टर में ट्रांजिस्टर को भी ऐड कर लिया, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे एक डिवाइस मिला, दैट इज कॉल्ड थायरिस्टर, और यह रीजन है कि हम SCR को थायरिस्टर बोलते हैं। तो स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वाई वी कॉल्ड SCR एज अ थायरिस्टर। तो स्टूडेंट, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ SCR यानी सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो एक एक करके हम समझेंगे।
सबसे पहले प्रॉपर्टी हम बोलेंगे कि थायरिस्टर यानी सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर एक फोर लेयर डिवाइस है। फोर लेयर कैसे? एक कॉम्बिनेशन है PN-PN। सिमिलरली हर दो लेयर के बीच में एक जंक्शन बनेगा और यहाँ पे हम देख सकते हैं तीन जंक्शन है, तो हम बोल सकते हैं कि SCR इज अ थ्री जंक्शन डिवाइस। यहाँ पे आप देखेंगे सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के पास तीन टर्मिनल है। पहला टर्मिनल एनोड, दूसरा टर्मिनल कैथोड और तीसरा टर्मिनल गेट है। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ इट इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस। देयर इज स्टैंड्स फॉर एनोड, के स्टैंड्स फॉर कैथोड और जी स्टैंड्स फॉर गेट। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने देखा कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के अंदर चार लेयर हैं, तीन जंक्शन हैं और तीन टर्मिनल हैं। तो आइए अब हम एक एक करके इनको काफी डिटेल में समझते हैं। अगर मैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर यानी SCR का एक स्कीमेटिक डायग्राम आपके साथ रिप्रेजेंट करूं, तो मैं बोल सकता हूं कि इसमें जो चार लेयर है PN-PN, इन चारों लेयर में जो कैथोड टर्मिनल है वो सबसे आउटर मोस्ट N लेयर से कनेक्टेड है, जो एनोड टर्मिनल है वो आउटर मोस्ट P लेयर से कनेक्टेड है और जो गेट टर्मिनल है वो बीच वाले P लेयर से कनेक्टेड है। और इस तरीके से ये तीनों टर्मिनल फोर लेयर से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे तो जैसे मैंने बताया एनोड P लेयर से, कैथोड आउटर N लेयर से और गेट टर्मिनल है वो इनर P लेयर से कनेक्टेड है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट के सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चूंकि ये कंट्रोल डिवाइस है और पीएन सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, जैसा पीएन सेमीकंडक्टर मटेरियल हमने पढ़ा, जैसा हमने डायोड पढ़ा, इसीलिए इसके सिंबॉलिक में डायोड जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये सेमी कंट्रोल डिवाइस है, इसीलिए यहाँ हमने कंट्रोलिंग के लिए एक टर्मिनल लगा दिया, दैट इज कॉल्ड गेज टर्मिनल। स्टूडेंट अगर इसके तीनों टर्मिनल को हम इलेबरेट करें तो जो एनोड टर्मिनल और कैथोड टर्मिनल है इनको हम बोलते हैं मेन टर्मिनल। क्यों बोलते हैं इनको मेन टर्मिनल? क्योंकि जब भी मुझे इस SCR की बायसिंग करनी हो, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग करनी हो, रिवर्स बायसिंग करनी हो, तो उस कंडीशन में हम मेन सप्लाई एनोड और कैथोड टर्मिनल के बीच में ही कनेक्ट करते हैं और इसलिए हम इनको बोलते हैं मेन टर्मिनल। जबकि जो गेट टर्मिनल है वो टर्मिनल कहलाता है कंट्रोल टर्मिनल। लाइक ट्रांजिस्टर में जैसे एमिटर होता था, कलेक्टर होता था और बेस होता था, तो वहां पे जो बेस टर्मिनल था वो कंट्रोल टर्मिनल था जो टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ दोनों करता था। यहाँ पे सेम वैसे ही गेट टर्मिनल है लेकिन ये सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस है दोस्तों, इसलिए ये वाला डिवाइस सिर्फ टर्न ऑन में मदद करेगा, टर्न ऑफ में मदद नहीं करेगा। स्टूडेंट अब हम आगे बात करते हैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में जो कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या सभी लेयर के थिकनेस बराबर है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको काफी डिटेल और अच्छे से ये चीजें समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं एनोड जिस टर्मिनल से कनेक्टेड होता है वो आउटर पी लेयर है, मैंने उसको P1 बोल दिया। जो P1 लेयर है वो थिक लेयर होता है एज कंपेयर टू अनदर लेयर जो कि कैथोड से कनेक्टेड है, जिसको मैंने बोला N2, क्योंकि N2 लेयर एज कंपेयर टू P1 और P2 थिन है, नैरो है। सिमिलरली जैसा P1 लेयर जो कि एनोड से कनेक्टेड है उतनी ही थिकनेस होगी P2 लेयर का जो कि गेट टर्मिनल से कनेक्टेड है, और सबसे ज्यादा जो वाइडर और थिकेस्ट लेयर होगा वो कहलाएगा N1 लेयर, यानी जस्ट एनोड के बगल वाला लेयर। यानी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ स्टूडेंट कि जो N2 लेयर है वो वेरी थिन एंड हाईली डॉप्ड है, जबकि जो P2 लेयर है वो उसकी जो विड्थ है वो P1 के बराबर है, थिकनेस बराबर है, जबकि जो N1 लेयर है वो थिकेस्ट है बाकी सभी में, और थिकनेस ज्यादा होने से उसके अंदर डोपिंग कम है और यही रीजन है कि इसको हम बोलते हैं ब्लॉकिंग लेयर। तो आइए स्टूडेंट अब हम समझते हैं कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की रेटिंग्स क्या होती है, मीन्स किस वोल्टेज करंट और पावर रेटिंग के लिए हम सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का दो रेटिंग डिस्कस करूंगा। पहला वो रेटिंग जो हम एनोड और कैथोड के बीच में जनरली यूज करते हैं, जो मेरे डिवाइस का एक्चुअल रेटिंग है, और दूसरा वो रेटिंग मैं डिस्कस करूंगा जिसको हम यूज करते हैं गेट टर्मिनल के थ्रू इस डिवाइस को टर्न ऑन करने के लिए। तो सबसे पहले जो एक्चुअल रेटिंग है SCR की मैं उसकी बात करता हूँ। तो SCR लगभग मैं 10 किलो वोल्ट रेटिंग तक के वोल्टेज के लिए हम यूज कर सकते हैं, जो कि 300 एम्पियर करंट तक का लोड बियर कर सकता है। सिमिलरली अगर मैं वोल्टेज और करंट दोनों का प्रोडक्ट लगा के मैं बोलूं कि एक SCR टोटल कितना रेटेड पावर हैंडल कर सकता है, तो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 30 मेगावाट है, मीन्स 30 इंटू
10 टू दी पावर 6 वॉट के बराबर मेरा SCR पावर को हैंडल कर सकता है। डियर स्टूडेंट, वैसे ही जब मैं SCR को बायसिंग करने के बाद टर्न ऑन करता हूं, तो टर्न ऑन करने के लिए जो मुझे गेट टर्मिनल्स को वोल्टेज और करंट देना पड़ता है, तो उस वोल्टेज की रेटिंग 10 वोल्ट होती है और करंट की रेटिंग 1 एम्पीयर, मींस 10 वॉट के समथिंग में पावर मुझे गेट टर्मिनल को देनी पड़ती है ताकि मैं डिवाइस को टर्न ऑन कर सकूं। एग्जांपल हम टीवी से कंपेयर कर सकते हैं, जो हम मेन सप्लाई देते हैं टीवी में वो लगभग में 230 वोल्ट की होती है। जब हम उसी टीवी को ऑपरेट करने के लिए रिमोट जो यूज करते हैं, उस रिमोट का वोल्टेज रेटिंग 3 वोल्ट होता है। मैं इसमें कंपेयर कर सकता हूँ कि SCR का एनोड और कैथोड टर्मिनल टीवी का मेन पावर सप्लाई की तरह है और SCR का गेट टर्मिनल टीवी के रिमोट की तरह काम करता है। तो आइए स्टूडेंट, अब हम इस वीडियो को यही कंप्लीट करते हैं और अगले वीडियो में हम SCR का वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे। लेकिन जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मैंने रखे हैं, जो कि इस वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला इंटरव्यू का क्वेश्चन है, व्हाट इज SCR मींस सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्या है? तो आप बहुत सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि SCR मींस सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर और सेमीकंडक्टर कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इज अ 4-लेयर 3-टर्मिनल सॉलिड स्टेट करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। आपको याद होगा मैंने बोला था कि थायरेट्रॉन ट्यूब की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स होगी और वो ट्रांजिस्टर की तरह सॉलिड स्टेट डिवाइस है, जो कि करंट कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है। और सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का जो नाम है SCR, वो दिया गया है बाय 2 साइंटिस्ट, जिसको हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। आप कमेंट सेक्शन में जरूर उनका नाम बताइएगा। और जिस कंपनी के द्वारा इसका ट्रेडमार्क है वो है जनरल इलेक्ट्रिक। तो इस तरीके से आप ब्रीफ में सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इज ऑल्सो कॉल्ड थायरिस्टर। स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन इसी से बन जाएगा, व्हाई SCR इज कॉल्ड थायरिस्टर, मींस SCR थायरिस्टर क्यों कहलाता है? तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन का जवाब पढ़ लिया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का VI कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हम काफी डिटेल में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट आपका सपोर्ट मुझे हमेशा मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लगभग मैं 300 वीडियो डालने के बावजूद भी मेरे चैनल पे व्यूज तो है लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम है। इसलिए पूरी हक से मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ, वो है आपका सपोर्ट। स्टूडेंट मैं आपके लिए हमेशा मेहनत करता हूँ, तो बस मुझे एक ही उम्मीद है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, अगर मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडों के साथ शेयर करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर हो ताकि इस चैनल की वैल्यू भी बढ़े। और मैं आपसे सिर्फ लिमिटेड सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ एक ब्रांच नहीं, बल्कि बहुत सारे वीडियोस सभी ब्रांचेस का आगे लेके आऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।